एक्चुअली मैडम मेरा जो पति है ना वो अपनी भाभी के चक्कर में रहता है, उनसे अफेयर है। अभी मैं जुड़वा बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, प्लस मुझे टीबी है, दोनों किडनी में पथरी है। इतने रोगों के साथ मैं खुद को देखूं या बच्चे को देखूं या मैं रोजी रोटी कमाऊं? 3 महीने की प्रेगनेंसी है मैडम, कह रहा है सफैया करा लो, मैं खर्चा नहीं दूंगा। मैं शादी को गई ना 3-4 महीने हुए तो मेरी जो वो थी जिठानी वो बोलने लग गई कि मैं तो तुम्हारे पति के साथ ऐसे सोती थी वैसे सोती थी। ठीक है, जब उसने बोला मैं ध्यान देने लग गई सब चीजों का, तो जो मेरी पहली होली थी उसमें मैंने इसको मेरी जिठानी को किस करते देखा। पहले मेरे पास एक बच्चा था, मैं उसको कैसे भी कमा खिला लेती। मेरी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है, ना मेरी हेल्थ ऐसी है कि मैं इतना झेल पाऊँ। अब 3-3 बच्चे हैं, मैं कैसे उनको पालूंगी? मैं तो यही सोच के मरी जा रही हूँ, मैं तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शादी हुई तभी ये लोग मुझे दान दहेज के लिए बहुत टॉर्चर करने लग गए। मेरे नाम मम्मी जमीन देने को बोली थी ना, बार बार टॉर्चर करते थे, मैं हमारे नाम कर दे हमारे नाम कर दे। आए दिन किसी ना किसी बहाने ना मुझे मेरे मायके भेजते, फिर वहाँ से डिमांड करते गहने की, सामान की, पैसे की, कैश की। देखिए कोई भी पत्नी अगर अपनी पति को किसी के साथ देखेगी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका शकल देख रहे हो, पहले ऐसी शकल नहीं थी इसकी, और ऐसी लड़की थी ना कि कोई गली में इसकी आवाज नहीं सुनता था। इनमें किसी का कमी नहीं है, इसके पति में कमी है या सास ससुर की कमी है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस समय मौजूद हूँ प्रेमनगर थाना पे, जहाँ पर एक ऐसा पारिवारिक मामला आता है जहाँ पति पत्नी की लड़ाई जो है सड़क पर आ जाती है। बता रहे पत्नी जो है लगातार अपने पति और उसके परिवार द्वारा प्रताड़ित की जाती है। क्या नाम है मैम आपका? पुष्पा। पुष्पा, क्या मैटर हुआ है? एक्चुअली मैडम मेरा जो पति है ना वो अपनी भाभी के चक्कर में रहता है, उनसे अफेयर है, और ये मुझे 1 रुपया खर्चा नहीं देता, ना बच्चे का देगा ना मेरा देगा। अभी मैं जुड़वा बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, प्लस मुझे टीबी है, दोनों किडनी में पथरी है। इतने रोगों के साथ मैं खुद को देखूं या बच्चे को देखूं या मैं रोजी रोटी कमाऊं? 1 रुपया खर्चा नहीं देता, नहीं देना था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। शादी की तो बच्चे नहीं करना चाहिए था, बच्चे किए तो देखे तो इसका भी कुछ फर्ज बनता है। कितना टाइम हो गया आपको शादी को? 4 साल होने वाले हैं, 27 जून को 4 साल हो जाएंगे। आपके साथ कभी मारपीट भी हुई है क्या? मैडम मारपीट इधर नहीं हुई है 3 महीने से, उससे पहले मेरे साथ कई बार मारपीट हुई है। मेरी जिठानी, मेरा पति और मेरी सास, सास मेरी अगवाही करती है, पहले अगवाही वही करती है फिर ये चिपटते हैं। तो पहले कंप्लेन कहीं दर्ज कराई आपने? महिला आयोग में मैडम केस की थी मैंने, खर्चे के लिए केस की थी। ये मेरी दुकान पे आता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मतलब ना खुद देता है ना मुझे कमाने देता। दुकान किस चीज़ की? ब्यूटी पार्लर की छोटी सी दुकान है मैडम, जो इन्होंने एकदम बर्बाद कर दिए तोड़ ताड़ के। अब चलती तो है नहीं, उससे किराया भी निकलना मुश्किल हो गया है, उसको बेचना पड़ रहा है अब, जिसकी वजह से मुझे मजबूरी ऐसी आ गई है। रेंट पे वो दुकान? हाँ जी रेंट पे मैडम दुकान, वो मेरी मायके वालों ने मुझे खोल के दी थी। ठीक है, और आज क्या मामला हुआ कि आप थाने तक आ गए? मैं मेरी बेटी 3 दिन से ये लेके अपने यहाँ पे मम्मी के यहाँ था, मैं अपनी बेटी को लेने गई, जिसके चक्कर में इन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दिए। मतलब ऐसे मार पीट वाली हाथापाई नहीं हुई, मतलब हाथापाई हुई, छीना झपटी हुई है, बस उसी में घर का एक शीशा टूट गया है। तो ये लोग कह रहे हैं मैं तोड़ के आई हूँ, और मेरी सास बोल रही कि मैं उसको रस्सी से गला दबा के मारी हूँ ये वो। हालांकि आज मारपीट जैसा कोई मैटर नहीं हुआ। अच्छा, ये आरोप लगा रहे हैं आपके कि आपने तार लपेट के अपने पति को, अपनी सास को गले में लपेट गली में मारा है? लोगों ने वीडियो भी मैडम देखिए, मैंने नहीं मारा है, ये ना अपने से जो भी कर रहे हैं सब अपने से कर रहे हैं, खुद ही तार वार गली में जाके उसका वो होता ना पानी गर्म करने वाला रोड, वो लपेटा लपेटी कर रहे थे, मुझे लपेट रहे थे। ठीक है, इनके गले में लपेटा गया लड़ाई झगड़े में, मैं इस हालत में तो हूँ नहीं कि इतने मतलब इन लोगों से जीत पाऊँगी। बाकी यही है। कितने महीने की प्रेगनेंट है? 3 महीने की प्रेगनेंसी है मैडम, कह रहा है सफैया करा लो, मैं खर्चा नहीं दूंगा। अब बताइए बच्चे में जान आ गई है, मैं सफैया करा लूँ? कोई अपने बच्चे को मारना चाहती है तो अभी फिलहाल आप क्या चाहते हैं? तलाक चाहते हैं अपने पति के साथ रहना? मैडम साथ में गुजारा ही नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर ली रहे कि साथ रहना चाहते हैं। मैडम इस तरह तो साथ नहीं रह पाएंगे, नहीं पॉसिबल लग रहा। मैडम मैं शादी को गई ना 3-4 महीने हुए तो मेरी जो वो थी जिठानी वो बोलने लग गई कि मैं तो तुम्हारे पति के साथ ऐसे सोती थी वैसे सोती थी, ये करती थी वो करती थी, पहले सब जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जब उसने बोला मैं ध्यान देने लग गई सब चीज़ों का, तो जो मेरी पहली होली थी उसमें मैंने इसको मेरी जिठानी को किस करते देखा। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई तो वो गुस्से में मायके चली गई, 1.5 साल रह के आई वहाँ पे कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई, इससे गुस्सा हो गई, ये महीने महीने वहाँ भी खर्चा भेजेगा यहाँ भी सब उसी का देखता है, मेरा तो 1 रुपया नहीं देता है मैडम। तो अभी पति का क्या कहना है कि वो अभी आपको रखना चाहता है नहीं रखना चाहता, क्या कहना है? अभी तो वो कह रहा है मैं तलाक दूंगा, नहीं रहूंगा, बच्चा सफैया करा लो, वो मेरी वो तुम्हारी गलती से है बच्चा, बच्चा क्या मेरे अकेले की गलती से आ जाएगा? तो महिला आयोग ने जब आपने पहले क्या हुआ था कि आपने महिला आयोग में मैडम केस डाली थी खर्चे के लिए। ठीक है कि मुझे खर्चा दे, सही से रखे, इज्जत से रखे,
महिला आयोग ने 3,000 रुपये महीना जेब खर्च मेरा और मेरे बच्चे का प्लस राशन बोला इनको देने के लिए और पैसे जो है अकाउंट में डालने के लिए बोले ताकि हम दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल पाता। एक महीने इसने मुझे 3,000 रुपये दिए उसमें से 1,500 रुपये वापस ले लिए, ठीक है, उसके बाद इसने नहीं दिया किसी किसी बहाने बहाने, ये उल्टा मुझसे ही लेता रहता है। जिस मैं पेटीएम वगैरह जो कर रखी हूँ, पहले मैं कैश दे देती थी, अब मैं इसीलिए पेटीएम करती हूँ कि सबूत रहे मेरे पास। काम करते हैं आपके पति? पहले तो मैडम ये प्राइवेट जॉब करता था, 3 महीने से जैसे हम अलग हुए ना तो ये भाभी से रहने के बहाने कि भाभी से कैसे रहूंगा तो उसने घर पे ही काम खोल लिया। उससे पहले जॉब करता था, जब हम अलग हो गए तो इसने जॉब छोड़ दी और उसी घर में काम खोल लिया कि मैं तो काम पे जाता हूँ, बहाना मिल गया। अच्छा, आपके ससुराल के घर में जो ससुराल का घर है उसी में काम दुकान खोल ली इन्होंने? दुकान नहीं, वो खराद की मशीन होती है जो लोहे के वार्सल कटते हैं, वो 5 मशीनें बैठा रखा है। 70-80 हज़ार रुपये मंथली इनकम है उससे इसकी। आपको कोई खर्चा नहीं? कुछ नहीं देता मैडम, 1 रुपये नहीं देता है। तो अभी अगर आपका मतलब आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि तलाक कर लेना, आपको तलाक लेना है, तो तलाक हो जाता तो आप ये आपको खर्चा भी नहीं देगा और इसकी माने इसको बेदखल भी कर दिया, ऐसा भी बताया जा रहा है? मैडम मिल तो ऐसे भी मुझे कुछ नहीं रहा है और मिल नहीं रहा है, प्लस मैडम पहले मेरे पास एक बच्चा था, मैं उसको कैसे भी कमा खिला लेती, मेरी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है ना मेरी हेल्थ ऐसी है कि मैं इतना झेल पाऊँ। अब 3-3 बच्चे हैं, मैं कैसे उनको पालूंगी, मैं तो यही सोच के मरी जा रही हूँ, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मायके में कौन कौन? मायके में मेरी मम्मी अकेले रहती है, मेरे 3 भाई हैं जो अलग रहते हैं। अगर आप तलाक ले लेते तो सही से अपने बच्चों को तीनों को रख पाएंगे? मैडम कहाँ रख पाऊंगी, रख पाती तो इतना कलेश क्यों होता, मैं क्यों इसके पीछे भागती। रख पाती तो मैं पहले अकेले थी ना मैडम, शादी हुई तभी ये लोग मुझे दान दहेज के लिए बहुत टॉर्चर करने लग गए। मेरे नाम मम्मी ने जमीन देने को बोली थी ना, बार बार टॉर्चर करते थे, मैं हमारे नाम कर दे, हमारे नाम कर दे, ये लेके आए दिन किसी ना किसी बहाने ना मुझे मेरे मैके भेजते, खुद भेजते, फिर वहाँ से डिमांड करते गहने की, सामान की, पैसे की, कैश की, देती रही, देखते देखते ना मेरा थक गया। और वो भी ना मेरा सामान, मेरे मायके का सामान अपना तो दे रहा है, मेरी कमाई चाहे मेरी माई जो भी है मेरी जिठानी को दे देते हैं उठा उठा के, तो मेरा मायका इतना वो नहीं है कि मैं कोई भी नहीं दे देता, मैं मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैंने उसी वही सब चीज़ों के लिए मैंने कंप्लेन डाली थी मैडम। तो अभी तक प्रेमनगर थाने के कितने बार चक्कर लगा चुके घरेलू मैटर को लेकर? मैडम प्रेमनगर थाने में मैं दूसरी बार आई हूँ, एक बार जब महिला आयोग से फैसला करके गई थी तो महिला आयोग से मुझे 2nd फ्लोर मिला हुआ था पूरा, ठीक है, और प्लस राशन पता ये भराएगा, 3,000 मुझे खर्चा देगा, तो इन्होंने एक कमरा भी नहीं दिया 15-20 दिन मैं रही, ठीक है। उसके बाद मेरी तारीख पड़ी तो मैंने कहा लाओ मैं दिखा लूँ, एक वीडियो बना लूँ कैसे इन लोगों ने मुझे रखा है। उसके लिए इन लोगों ने पूरे घर ने मेरे साथ मारपीट की, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे फ़ोन किया थाने में फ़ोन किया तो इन्होंने बोला तुम्हारा केस महिला आयोग चल रहा है वहीं जाओ। फिर मैंने वहीं जाके रीओपन केस कराई, फिर मुझे समाज ने मेरे इधर के लोगों ने सब ने बोला उधर के लोगों ने कि एक बच्चा है देख लो, 2 महीने रह के देख लो। मैं तलाक देने के लिए मैंने केस रीओपन कराई, मैंने कहा मौका तो मैंने देके देख लिया, अभी एक है मैं जैसे तैसे देख लूँ, वही सोच के मैंने केस ओपन करवाई। फिर वहाँ बोला मुझे टाइम दे दो 1 महीने का, अगर नहीं मैं सही से रहूँगा नहीं कुछ करूँगा तो तुम केस वो ले मतलब दोबारा रीओपन करवा तो तुम तलाक दे देना, ठीक है। ये 1 महीने तो सही से रहा, उसके बाद इसने क्या किया ना, जैसे ही मैंने वहाँ से केस बंद किया इसने फिर से वही ड्रामे चालू कर दिए, ना 1 रुपया देना ना कुछ करना, ऊपर से बिना बात के कलेश करना, यही सब करता है मैडम। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ मैम। तो पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं? हर आप कह रहे थे बार 5 जल्दी भी लड़ाइयाँ भी होती हैं। हाँ बार बार झगड़ा लड़ाई होती है इन दोनों मियाँ बीवी में। तो आपको क्या लगता है कि लड़की गलत है लड़का? नहीं मैम, इसमें तो लड़का ही गलत है, लड़की कोई गलत नहीं है। देखिए कोई भी पत्नी अगर अपनी पति को किसी के साथ देखेगी तो बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर ये सामने से बोल रही हैं कि आप ऐसा काम मत करो, ठीक है, आप अपनी भाभी के पास मत जाओ, अपने भैया के घर पे मत जाओ, तो मत जाइए आप। आप जब कमरा किराए पे ले लिए हो तो आपको वहाँ जाने का क्या मतलब है? आपको माँ बाप से मिलना है? बाप तो है नहीं, माँ से मिलना है। माँ को आप अपने यहाँ बुला लो कि माँ आप मेरे यहाँ आ जाओ या मेरे यहाँ रह लो। हाँ मेरे यहाँ रह लो, ठीक है। तो ये नहीं आप जाके वहाँ भाई के पास रहोगे, आप अपनी बीवी का दवाई नहीं करवाओगे, अपनी कपड़े नहीं दिलाओगे, इसका शक्ल देख रहे हो, पहले ऐसी शक्ल नहीं थी इसकी, और ऐसी लड़की थी ना कि कोई गली में इसकी आवाज़ नहीं सुनता था। अभी इसको ऐसा बना दिए कि ये रोड पे झगड़ा कर रही है, सोचिए आप लोग बनाए हो ना, दूसरा आदमी तो बनाया नहीं है। और इसकी इनकी जो सासू माँ है ना वो तो एक कचार बना के भाई बोलती हैं सीधी सी बात। मान लीजिए मारपीट हुई है ना तो आप निशान दिखाओगे कहाँ मारपीट हुई है? आप बोल रहे हो तार से लपेट के मुझे मारा गया, ये किया गया, वीडियो भी बनाया गली में। तो वीडियो है कहाँ? वही तो मैं कब से मांग रही थी वीडियो, थाने में बैठी थी ना मैं, वहाँ भी मैं वीडियो मांगी, सर से जाके पूछिए, सर बल्कि हंस रहे थे, कह रहे थे वीडियो है तो दिखाओ जरा कहाँ है। वीडियो नहीं दिखाया, फोटो दिखा रहा अलमारी का, शीशा टूटा हुआ, क्या पता शीशा आपने तोड़ा हो। अब बनाते जब वीडियो बना रहे थे शीशा तोड़ते हुए बनाते वीडियो, उनका व्यवहार
कुल मिला के हाँ, इनका व्यवहार अच्छा है। शिकायत तो कुंवार में हम लोग चाहे लड़के के मीटर में आ चाहे कोई ऐसे चीज में हम लोग कभी नहीं देखे। पर ये तलाक ले लेती है तो इसमें देखो उसका पति जो है इसको कोई खर्चा नहीं देगा, सबसे बड़ी बात है इसके तीन बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो मैम ये करेगी क्या, डेली लात खाएगी? वो सही बात है। ससुर मारेगा, चलो ससुर तो खत्म हो गया, सास मारेगी, जेठ मारने के लिए उठ जाएगा, पति मारे, जब पति उसी के साइड है तो इसको बोलने का बेचारी रो के गा के क्या करेगी, कितना दिन करेगी? और आजकल की जो महिला है ना, एक दिन दो दिन चार दिन दस दिन एक महीना सह लेती है, ठीक है, उसके बाद कोई सहता नहीं है। सहना भी नहीं चाहिए, सहना अपराध है, अपराध है ना। तो मैं तो यही कहती हूँ भैया, अगर तुमको अगर चाहिए तो तुम अपने ये बच्चे को खत्म करो, अपनी तुम्हारी एक बेटी है, तलाक लो, आराम से जियो खाओ, पढ़ी लिखी हो, गंवार नहीं हो। पति खुद कह रहा है कि मुझे बच्चे चाहिए नहीं। मैंने बोला कि जब आपको बच्चा नहीं चाहिए था तो आप सोए कि उसके साथ, इतना बड़ा रिस्क है, तीन महीने जब हो चुका है, कुछ भी हो, लेकिन ये क्या करेगी, अब लात खाएगी जाके? इनमें किसी का कमी नहीं है, इसके पति में कमी है या सास ससुर की कमी है? सारा कमी इसके पति में, सास और जेठ में भी कोई कमी नहीं है। पति अगर ढंग का हो तो आदमी कुछ नहीं हो सकता, सब पति इसका दोगला है, बस सीधी सी बात। अभी आप महिला आयोग दोबारा जाएंगे? मैडम जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है क्या? बता रहे हैं कि पति की ही गलती है, क्योंकि पति जो अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में, कैमरा मैन नरेश के साथ पूनम।